आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शक्करपारे। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी है, बच्चू ही चाशनी से बनाने वाले हैं एक नए तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन की बची हुई जो चाशनी है उससे बनाएंगे हम शक्करपारे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसके शक्करपारे, बहुत इजी रेसिपी है। ये करीबन हाफ कप चाशनी है गुलाब जामुन की। एक पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे हाफ कप चाशनी। पैन में हमने यह चाशनी डाल ली है। अब इसमें डालना है हमें देसी घी, 2 TSP देसी घी। 2 TSP लिया है मैंने यहाँ देसी घी, 2 TSP देसी घी ले लिया है। घी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा, बहुत खस्ता भी बनेंगे। 1 tablespoon लेंगे हम व्हाइट तेल, 1/2 TSP लेंगे हम कार्डमम पाउडर, इलायची का पाउडर 1/2 TSP लेंगे। अब हम इसे बॉईल करेंगे ताकि घी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। इतना हमें बॉईल करना है एक उबाल आने तक। पैन को मैंने यहाँ गैस पर रख लिया है, हाई फ्लेम पर रख लिया है। इसमें हमें एक बॉईल आने तक इसे गर्म करना है, जब तक कि एक बॉईल नहीं आ जाता। इसे क्या है कि हमारा जो घी है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए चाशनी में उबाल आ गया है, घी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ, पैन को नीचे उतारेंगे। पैन को मैंने यहाँ नीचे उतार लिया है। इसमें डालेंगे 1/4 TSP बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना है हमें 1/4 TSP। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, ये काफी गर्म है। अब इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिर्फ 1 चुटकी डालना है, जैसे हम केक में डालते हैं। ये अच्छे से थोड़ा ठंडा हो गया है, हाथ लगाने लायक। अब इसमें डालना है हमें ज़रूरत के अनुसार मैदा। मैदा हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले हम 1/2 कप मैदा डाल लेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है, ज़रूरत के अनुसार ही हम इस चाशनी में मैदा डालेंगे। मैदा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। डो बनाने के लिए हम जरूरत के अनुसार ही इसमें मैदा ऐड करते रहेंगे। ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है, जरूरत के अनुसार हमने इसमें मैदा ऐड किया था। कितना अच्छा डो रेडी हो गया है ये देखिए। अब इसे हल्का सा चिकना लगाएंगे और इसे बेल लेंगे, मोटा बेलना है हमें। मैंने यहाँ थोड़ा घी ले लिया है, घी से इस तरह से ग्रीस करेंगे और इसे मोटा बेल लेंगे। इसे हमें पतला नहीं बेलना है, मोटा बेलना है, इसे थिक रखेंगे हम। ये देखिए इतना मोटा हमें रखना है इसे। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए मैंने इसे क्यूब्स में काट लिया है। ये देखिए क्यूब्स में मैंने यहाँ कटिंग कर ली है। अब इसे फ्राई करना है हमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, लो मीडियम फ्लेम पर करना है हमें इसे फ्राई। हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने इसे लो फ्लेम पर ही रखा है। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ लो पर ही रखा है। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल गए हैं ये। ये देखिए दुगने हो गए हैं फूल कर, आप देख सकते हैं कितने खस्ता नजर आ रहे हैं। फ्राई होने के बाद ये और भी ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बन जाते हैं। इसे हमें स्टार्टिंग में लो फ्लेम पर और फिर धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पर। इसे हम जितना अच्छे से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे उतने ही अच्छे अंदर तक सीख जाएंगे और फ्राई हो जाएंगे, बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। इन्हें हम कंटिन्यू इसी तरह से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से हल्का ब्राउनिश कलर नहीं आ जाता इसके ऊपर। इसे हमें पलट पलट कर फ्राई करना है। ये देखिए एक अच्छा सा कलर आने तक और अच्छे से फ्राई होने तक, अंदर तक सिक जाए। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को अभी तक लो ही रखा है, मीडियम भी नहीं किया है। इसे लो फ्लेम पर ही हम जितना हो सके फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर जितने अच्छे से फ्राई होंगे उतना मीडियम हाई फ्लेम पर नहीं होंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिए।
जैसे हम बालू शाही कचौरी समोसे बनाते हैं लो फ्लेम पर, वैसे ही हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं दूर से दिखाई दे रहा है कि कितने खस्ता बने हैं। अब इसे भाप निकालेंगे, इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गुलाब जामुन की चाशनी से आप देख सकते हैं कितने खस्ता और कितने लेयर्ड वाली हमारी ये शक्करपारे बनकर रेडी हुए हैं। खाने में बहुत डिलीशियस है, मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।